अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रमीज़ अहमद। वेलकम टू बिजनेस रिलेटेड चैनल। प्रॉपर्टी के रिलेटेड सारी इन्फो वीडियो के अंदर मौजूद होती है। काइंडली वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल करना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टेक्ट करें। आएँ अब हम अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारी ऑफ़र लेके आया हूँ। 5 मरले का घर जो कि अनकम्प्लीट है, कॉमसेट यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास है। इन्वेस्टर हजरात ज़रा मुतवज्जो हों दोस्तों, ये घर अभी बिल्कुल कम्प्लीट नहीं हुआ दोस्तों। इस घर में घर भी बना सकते हैं और ये घर यूनिवर्सिटी के पास है, यहाँ पे हॉस्टल भी बना सकते हैं, ऊपर भी बन सकता है, नीचे भी बन सकता है। और अगर कोई दोस्त इस घर को परचेज़ करके हॉस्टल बनाता है तो यूनिवर्सिटी के लोग तकरीबन 1.5 से 2.5 लाख रुपया, 2 लाख रुपया वो मंथली कमा सकता है। तो इस सुनहरी मौके से फ़ायदा उठाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें। दोस्तों इस घर में मटेरियल बहुत प्यारा लगा हुआ है, अच्छा काम हुआ हुआ है। जिसका ये घर है उसको पैसों की ज़रूरत है, जिसकी वजह से वो घर सेल कर रहा है। इन्वेस्टर हजरात इस घर को ना छोड़ें क्योंकि इसकी लोकेशन बहुत प्यारी है। ये कॉमसेट यूनिवर्सिटी के बिल्कुल पास है, यहाँ पे हॉस्टल बहुत प्यारा बन सकता है। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी इसको ख़रीदना चाहता है हमारे नंबर पे कॉन्टेक्ट करें। इसके अंदर काफ़ी सारे रूम हैं, 5 मरले के ऊपर ये घर मुश्तमिल है और लेंटर डला हुआ है, बाहर बड़ा गेट लगा हुआ है, लेकिन ये घर थोड़ा सा अनकम्प्लीट है। जो दोस्त इंटरेस्टेड हों वो कॉन्टेक्ट करें, ये बहुत ही प्यारी ऑफ़र है, इस ऑफ़र को हाथ से नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये आज का घर कल का सोना है। ये घर 5 मरले का है और मुल्तान जो रोड है यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ पहली गली में ये घर है, जहाँ पे नया पेट्रोल का डिपो बना है उसी गली में ये घर है। तो इसको 2 मेन रोड लगते हैं, ये हमारा नंबर है, इसके ऊपर कॉन्टेक्ट करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। घर दोस्तों आपने सारा देख लिया है, मैं मज़ीद आपको दोबारा दिखा रहा हूँ। इसमें मटेरियल बहुत अच्छा यूज़ हुआ हुआ है, लेकिन जिसका घर है उसको पैसों की ज़रूरत है। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।